नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। साइंस की दुनिया में आपने कई बार साइंटिस्टों को भविष्यवाणी करते हुए तो देखा होगा कि आज से 100 साल, 50 साल या फिर कि 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको लगता होगा कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे एडवांस है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस का कोई भरोसा नहीं। आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कल कब आउटडेटेड हो जाए या उसका अपडेटेड वर्जन आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस साइंटिफिक दौर ने हर वो काम मुमकिन कर दिखाया है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसी तकनीक की तरफ कदम बढ़ाया है जो कि आपको चौंकाने के साथ साथ सहूलियत देने का भी काम करेगी। जी हाँ, जहाँ डॉक्टर की सुई से बच्चे डरते हैं तो वहीं ऑपरेशन से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ऑपरेशन तो होगा लेकिन कोई आपके शरीर पर कोई चीरा नहीं लगाएगा तो आपको लगेगा कि ये मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं है बल्कि सच है। जी हाँ, अब रोबोट की मदद से ऑपरेशन किया जाएगा जिसकी सर्जरी में ना ही चीरा लगेगा, ना ही दर्द होगा और ना ही ज्यादा ब्लड लॉस होगा। और तो और, इस ऑपरेशन के बाद मरीज अपने घर या अपने काम पर भी तुरंत लौट सकते हैं। इस रोबोट की खासियतों की बात करें तो इसमें 3D विजन होगा जो कि लेप्रोस्कोपिक की तुलना में 10 गुना ज्यादा मैग्निफाई और ब्राइट पिक्चर को दिखाएगा। इतना ही नहीं, रोबोट की मदद से किए जाने वाले इन ऑपरेशंस में समय की बचत भी होगी। साथ ही ऑपरेशन थिएटर में अब 2 की बजाय 4 सर्जरी एक साथ की जा सकेंगी। बता दें कि रोबोट के जरिए ऑपरेशन करने के लिए मरीज के शरीर में 4 छोटे छोटे छेद कर रोबोट्स के आर्म डाल दिए जाएंगे। सर्जन अपने सामने लगी स्क्रीन पर मरीज के अंदर रोबोट के आर्म की हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहेगा। इसके जरिए डॉक्टर उसकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल भी कर सकता है। इस ऑपरेशन में बारीक से बारीक ब्लड वेसल्स और कैंसर टिश्यू को भी देखा जा सकता है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत अस्पताल में लाइव सर्जरी को देश भर के डॉक्टर अपने सेंटर में बैठकर देख सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत में होने वाली सर्जरी को अमेरिका, यूके और यूरोप में भी लाइव दिखाया जाएगा। जी हाँ, भारत ने भी रोबोटिक सर्जरी में सफलता हासिल करते हुए अब तक 100 से ज्यादा सर्जरी की है। बता दें कि दिल्ली के एम्स के बाद अब सफदरजंग अस्पताल भी इतिहास रचने के लिए तैयार है। जी हाँ, सफदरजंग देश का दूसरा ऐसा अस्पताल बन गया है जहाँ रोबोट का इस्तेमाल कर ऑपरेशन किया जाएगा। बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने की भी तैयारी कर ली गई है। और तो और, रोबोट को इस्तेमाल करने वाली पूरी टीम भी तैयार हो चुकी है। तो वहीं सफदरजंग अस्पताल के किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन अनूप कुमार की माने तो किडनी ट्रांसप्लांट करना एक मुश्किल सर्जरी है, लेकिन अब सफदरजंग अस्पताल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।